हे फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम है और इंतजार का घड़ी खत्म होने को है, क्योंकि अभी मैं फाइनली डॉक्टर के पास जा रही हूँ और हॉस्पिटल जा रही हूँ एडमिट होने के लिए। शाम को वो लोग बोले हैं 7:30 बजे तक आने के लिए। तो माँ और सासू माँ दोनों मिलकर बना रही हैं रोटी, क्योंकि रोटी हम लोग खा कर तो नहीं जा पाएंगे इतना जल्दी, पर सोच रहे हैं कि रोटी ले जाएं और वहाँ पर स्विगी जोमेटो कुछ भी हो, कहीं से भी हो, कुछ थोड़ा बहुत मंगा लेंगे। रात को भाई हम लोग के साथ जा रहा है और मैं माँ को, तुम जाओगी? अच्छा, पापा को आने दो, पापा को आने दो। अगर पापा बोलेंगे कि साथ में चलो तो तुम भी चल जाना। ओके, यहाँ आराम से सोना बेटा घर पर, ठीक है? वहाँ पर भी एक रूम लिया हुआ है, जिस वजह से भाई जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए भाई को ले जा रहे हैं साथ में। और डॉक्टर बोले हैं जैसे अभी जाने के बाद ना ECG वगैरह होगा, बेबी का हार्ट बीट वगैरह टेस्ट होगा। डॉक्टर बोले हैं अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहा तो फिर कल सुबह तक वेट करेंगे, वरना आज ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऐसा बोले हैं डॉक्टर। देखते हैं जाने के बाद, सब कुछ टेस्ट होने के बाद क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं डॉक्टर, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी जाने के बाद वो लोग बोले हैं कि टेस्ट होने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आएगा तुरंत ही ऑपरेशन कर देना पड़ेगा, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहा तो, नहीं तो वेट करेंगे वो लोग। तो मुझे भी थोड़ा बहुत कमर में दर्द भी है, पेन शुरू हो गया है, तो फिर अभी जाना है हम लोग को डॉक्टर के पास। और बेटी आज खाएगी, अपना जो कुछ बोलेगी ऑर्डर करेगी वो ही आएगा ना। ना बेटा, क्या बोल रही हो, क्या खाना है तुमको? कुछ भी चलेगा, बोल दो, बोलो बोलो, थोड़ा सा बोल दो। फ्राइड चिकन खाना है उसको, तो फिर मैं बोल रही थी इनको चिकन लेके आइए तो बना देते हैं, तो सबको ही खाएंगे, मतलब सबको ही, मतलब बाबा माँ मौसा जी नहीं खाएंगे, बाकी हम सबको ही खाएंगे। तो बोल रही है कि नहीं खाएगी, मतलब घर का बना हुआ नहीं खाएगी, और हम लोग के साथ में टाइम भी नहीं है अभी। और माँ अभी अभी आटा गूंथ कर आई है कि वो लोग को रोटी बनानी है, ताकि हम लोग रोटी लेकर जाएंगे और वहाँ हम लोग कुछ भी मंगा कर रोटी के साथ खा लेंगे। भाई तो जा रहा है हम लोग के साथ, और अगर अभी होगा कुछ टाइम बाद तो फिर ये लोग फिर रेडी होकर निकलेंगे सब, ठीक है? बोले भाई रिवो, यदि डॉक्टर केमती की कहूँ सुन को ये फ़ोन कर देंगे तो होने से नज़दीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं और सब कुछ अवेलेबल है यहाँ से जाने आने का, तो फिर वो लोग वैसे होने से उस हिसाब से निकलेंगे और क्या। तो चलिए साथ में बने रहिए, आज का ब्लॉग सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। तो जो भी है चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत मुझे तैयार भी होना है इसको। ए भगवान, ए मन की को उजन मुझे भी डॉक्टर बाकू, ए मन का इमोशनल देखो, बुआर देखो ताले, एडा गुड़ खुशी रे जे मोरसो ताले देह खराब हेले माने की करबे, एडा गुड़ खुशीर कथा ए माने देखाउ के मु मोर खुशी रे काली टू निदो नै कला तिरे भी सुई नी, आज भी मैं सुई नी, मोद खुशी रे दो नै हो तो देखा जो छी जेहा फेस फेस होउ छो। नानी मत कहे तोर कि निद ना मुझे मोर खुशी ये खाली हो कत घंटा अपेक्षा है ना, एत दिन शुणेले आउ गोटे दरकार आउ गोटे दरकार आउ गोटे दरकार आउ एना बेले फेंस फेंस हेबे आरो को तो आगे दरकार छिलो हम तो बहुत दरकार छिलो ओले गो मां जे तो हम सब तो रे चल सब से कर मंगु आछे रूम आछे चल ते मोर से जो ए जो से कुछ रोटी हां और भी ऐसे दी आ गया क्या है? फ्राइड चिकन है, इसके साथ तंदूरी मेयो है। उसमें क्या है? बर्गर है। अच्छा, प्लेटिंग करो फिर दिखाती हूँ ना, तुम्हारा तो पार्टी पार्टी है, मजा इसीलिए नहीं जाना चाह रही है मेरे साथ। तंदूरी में हो।
और माँ यहाँ पर मेरे लिए सीजा बना रही है, फिर हम लोग वहाँ पर जाके अगर फुर्सत होगा तो कुछ ऑर्डर करेंगे। और माँ यहाँ पर मेरे लिए, माँ का हाथ का सीजा खाना था मुझे, तो फिर माँ बोली नहीं फटाफट से बना देती हूँ। और मैं पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी हूँ, माँ बस सीजा का तड़का लगा दे और फोन जैसे करेंगे वैसे ही ये लोग, जैसे ही हम लोग फोन करेंगे तो जैसे ही फोन आएगा वो लोग उस हिसाब से करेंगे, इसलिए डिनर भी तैयार हो गया है। मान लीजिए अगर फोन करते हम लोग की आज ही रात ऑपरेशन होगा तो फिर ये लोग रात को जाएंगे, वरना सुबह तक वेट करेंगे, कल तक वेट करेंगे ना। अब तू गज्जू जे, तू कहने गज्जू आराम रे घरे सीधे सुईबू सीधे हॉस्पिटल सुईबर बुनना मा तू जीबू कोई नो किंतु तोर एक्टिविटी का मते को हुची बन गया सब कुछ, तो फिर मम्मी अभी पैक कर रही है हम लोग का। मोर गुट्टे दबो ना ना, मोर गुट्टे दियो पांचटा दे दीजिए, दुईटा दे दियो भाई, तीन टाइम एंकर तीन टाइम ताती चीना बहुत गरम ना 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 खाइबी नहीं मुँह मुड़ी हाँ से ये तो लुण ना मुझे चाखी नेबी बेसी दियो नहीं बेसी दियो सुनो सुनो से मैंने तक मगेबे खाइबे एगा खाइबे नहीं एत का मुँह खाइबी नहीं बेकार दियो नहीं 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 कम करो ना আর বাকিটা দিন আমি উনি যাচ্ছি তার মাথার কাছে সকালে এখানে ঠাকুর আছেন এই কালিয়া আছেন এই কালিয়া গুড়া কি বন্ধু এই উপরে থুই দেবো না আমি তো বলবো না থুই দেবো না কি দেয় এই রাখি হ্যাঁ কালিয়া গুড়া বন্ধু রাখি ঠিক আছে কালিয়া গুড়া রাখি বন্ধু ইজিয়ে বন্ধু ইয়ে করে ইয়ে নার্ভাস করে দেবে উল্টা তাহলে ফেপে ফেপে হচ্ছ আসিনে আসু আসিছি বেগা উল্লেখ কি করবো না। Bye bye. Bye bye. Baba. ঠিক আছে মশা গো টাটা ফোন করিকে জনাইবি যেমতি হবো ঠিক আছে দিল্লি যাচ্ছ হ্যাঁ আরামে যাও হ্যাঁ বাই 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 फाइनली पहुंच गए हैं, पहुंच तो गए हैं, अब 8:15 हो गया है और हार्ट बीट भी बहुत तेज चल रहा है, क्या होगा पता नहीं। Thank you.
क्या होगा? सबसे पहले अभी टेस्ट होगा मेरा, पता नहीं क्या सीटीजी क्या जो भी है, अभी जाने से पता चलेगा। वो बच्चा का जो हार्ट बीट वगैरह जो टेस्ट होता है वही करना होता है, हार्ट बीट साथ में ऑक्सीजन। कहाँ वेट करने बोले? यहीं पे तो बोले, अंदर एक बेड खाली है, उसी बेड को ही दिखा रहे थे। सीटीजी हो चुका है, अब ईसीजी होगा, तो हम लोग यहाँ शिफ्ट करा दिए कि यहीं पर होगा, आप लोग बैठकर आराम कीजिए और नाइट शिफ्ट में जो लोग आ रहे हैं वो लोग करेंगे, और मेडिसिन वगैरह सब कुछ आ चुका है, बस वेट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए तो जितना होना था हो गया, बस वो लोग बोले कि रात भर का देख लेते हैं, और जल्दी खाने बोले थे, टेस्ट होते होते रात का 11 बजने जा रहे हैं, और 11 बजने से पहले मुझे डिनर करने बोले हैं, तो मैं घर से जो लेके आई थी, और साथ में यहाँ पर कुछ भाई चिकन का लेकर आया है, तो उसको नहीं खाऊंगी सोच रही हूँ, क्योंकि स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा हो जाए। हल्का खाने बोले हैं, फिर बिना एक रोटी थोड़ा सा मूढ़ी में खा कर ही रहूँगी, क्योंकि भाई कितना दिन मूढ़ी खाने मुझे नहीं मिलेगा पता नहीं, तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोग को गुड नाइट। खा तो लिए, पर हम लोग जो बुक किए थे ना रूम, वो वाला रूम खाली नहीं हुआ है, तो आज रात भर बोले कि यहीं पर रह जाइए, तो हम लोग को यहीं पर रहना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको सोने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ एक पतला सा सोफा टाइप है, तो उसी में ये सोएंगे, तो क्या करें, बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे ख़राब लग रहा है कि हम लोग बुक किए थे जैसा, वो वाला रूम नहीं मिल पाया हम लोग को, और अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बेटी के बिना सोना है, और लाइट ऐसे ऑन रहेगा इस तरह में, क्योंकि वो लोग बीच बीच में चेक करते आएंगे ना, करने के लिए आएंगे ना, तो चलिए क्या करूँगी, ये ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। उम्मीद है आप लोग वेट करोगे नेक्स्ट ब्लॉग का, क्योंकि नेक्स्ट तो फाइनल होगा जो भी होगा, मुझसे नहीं हो रहा है वेट, पर क्या करूँ, मजबूरी है, ये ब्लॉग मुझे छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है, पर ब्लॉग बनाऊंगी जरूर, आप लोग के लिए शेयर भी करूंगी, आप लोग को बस दुआ करना है मेरे लिए, भगवान को इतना प्रे कीजिए कि ये ब्लॉग जब तक जाए तब तक सब कुछ, मतलब उम्मीद जैसा हो रहा है वैसे सब कुछ होकर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए एक नया उम्मीद के साथ सुबह का इंतज़ार करते हैं, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। आप कुछ बोलना चाहोगे? गुड नाइट, सब पर दुआ कीजिए, प्रे कीजिए मिताली के लिए, ताकि सब कुछ भगवान जैसा चाहते हैं, बस सब कुछ सही सही शांति से हो जाए, बस ठीक है। तो चलिए सोने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कल रात भी तो नहीं सोई, आज दिन को भी नहीं, और अभी तक मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो